हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं निशांत गोस्वामी, डायरेक्टर इन्फोर्स ग्रुप। आप सभी सिविल इंजीनियर्स का और इन्फोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, ब्रिज प्रोजेक्ट, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं रैंडमली ब्रिज, टनल, रोड, हाईवे, डैम, ये सब रैंडमली हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो एक खास कैटेगरी होता है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, एक खास कैटेगरी है, प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन किया गया है, और वह कैटेगराइजेशन को फॉलो करता है हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नॉर्म्स भी और इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स भी। हमारे पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में, कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में, हमारे ये सारे प्रोजेक्ट्स के खास कैटेगरी होते हैं। तो देखते हैं विस्तार से कि खास कैटेगराइजेशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इंजीनियर्स क्या होते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिटेल में हम लोग देखेंगे। सेकेंड हमारा आता है स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, थर्ड हमारा होता है प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, एंड फोर्थ हमारा लास्ट आता है लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये खास कैटेगराइजेशन किया गया है और इसके अंदर फर्दर सब डिविज़न है, कई सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, और फिर लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर कई सारे कैटेगराइजेशन, कई सारे सब डिविजन्स हैं। तो ये सारे सब डिविज़न जो किया गया है, कैटेगराइजेशन जो किया गया है प्रोजेक्ट्स का, किस बिहाफ पे किया गया है, इसका क्या बेंचमार्क है, किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ विच कैटेगरिया, मीन्स किस क्राइटेरिया पे आपको ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का कैटेगराइज किया गया है, तो दो तीन चीज़ आपको ध्यान देना है। किसी भी प्रोजेक्ट्स का पहले देखा जाता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब पहला कैटेगरी जो बेस प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन का क्राइटेरिया होगा, तो पहला देखा जाता है ड्यूरेशन पीरियड, कि प्रोजेक्ट्स कितना लंबा चलेगा, मतलब टाइम। दूसरा देखा जाता है कॉस्ट, कि कॉस्ट कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, तो उसके कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कैटेगराइजेशन किया गया है, कंसिडर किया जाता है। थर्ड देखा जाता है रिसोर्स, कि किस लेवल का रिसोर्स यूज हो रहा है, मतलब मशीनरीज कौन कौन से टाइप्स के मशीनरीज यूज हो रहे हैं, कौन कौन से टाइप का आपका, कितने लेबर्स यूज हो रहे हैं, मैन पावर कितने यूज हो रहे हैं, तो ये सारे कैटेगराइजेशन करने के लिए ये बेंचमार्क माना जाता है। ये सारे चीज़ों को, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्स, ये तीन चीज, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन किया जाता है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सेकेंड है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, एंड थर्ड है हमारा प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, एंड फोर्थ है हमारा लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स। अब स्टार्ट करते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो होता है जो कि डायरेक्ट कंट्री, हमारा कोई भी देश, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट उस प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी आ सकता है और पब्लिक प्रॉपर्टी तो आता ही आता है, मतलब गवर्नमेंट और प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं जो कि डायरेक्ट पब्लिक यूज के लिए होता है, पब्लिक यूज के लिए ओपन किया जाता है डायरेक्ट। जैसे कि आपका देख सकते हैं ब्रिज हमारे सारे ओपन फॉर द ऑल द पब्लिक्स, पब्लिक मूवमेंट के लिए है, डैम है पब्लिक यूज के लिए है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्रोजेक्ट्स होते हैं ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो आपका स्ट्रीट हाईवे देख लीजिए, रोड देख लीजिए, ये सब क्या है, पब्लिक यूज के लिए है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स भी पब्लिक यूज के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली होता है। तो ये सारे कैटेगरीज जो पब्लिक यूज के लिए है, ये सारे कैटेगरीज आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे कि स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम हुआ या क्रिकेट स्टेडियम हुआ, ये सब पब्लिक यूज के लिए है और ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। एक खास करके ये प्रोजेक्ट होता है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है लेकिन वो आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे शॉपिंग मॉल, तो ये कोई प्राइवेट बॉडीज कंस्ट्रक्ट करा रहा है, लेकिन वो प्राइवेट बॉडी कंस्ट्रक्ट करा रहा है लेकिन वो यूज किसके लिए है, पब्लिक यूज के लिए। तो जो प्रॉपर्टीज, जो स्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट्स पब्लिक यूज के लिए ओपन है, मास
क्राउड वहां पे गैदरिंग हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टीज, वो स्ट्रक्चर, वो प्रोजेक्ट्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो स्ट्रक्चर आता है, वो प्रोजेक्ट आता है जो कि डायरेक्ट कंट्री का डेवलपमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, हाईवे प्रोजेक्ट्स, रोड, टनल, डैम, ब्रिज, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ट्रांसमिशन चाव, ये सारे चीज़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर आएगा। जितने तरह के स्टेडियम होते हैं ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टाइप के सिविल प्रोजेक्ट्स आते हैं? तो जितने तरह के बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे कि हमारा जनरली बिल्डिंग का कैटेगराइजेशन क्या है, हाई राइज बिल्डिंग, लो राइज बिल्डिंग, तो हाई राइज बिल्डिंग, लो राइज बिल्डिंग, ये सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर। और जितने तरह के टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हुआ, कॉमर्शियल बिल्डिंग हुआ, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुआ, आपको आजकल ग्रीन बिल्डिंग भी आजकल आ रहा है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स भी हो रहे हैं, तो वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स जो होगा वो प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आएगा। बाकी जितने तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर आएगा। तो हाई राइज बिल्डिंग, लो राइज बिल्डिंग, टावर, आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, ये सब आपके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने तरह के बिल्डिंग्स होते हैं वो सारे कैटेगराइज है किसके अंदर, स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? प्री इंजीनियरिंग मतलब पहले से कुछ ऐसा कास्टिंग किया हुआ हो, पहले से ही कुछ प्री स्ट्रेसिंग किया हो, मतलब कहीं दूसरे जगह पे हम वो प्रोजेक्ट्स, वो खास पार्ट, खास कंपोनेंट को हम लोग कास्ट करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग, प्री इंजीनियरिंग करते हैं, और वहाँ से कैरी आउट करके, वहाँ से लिफ्टिंग करके हम लोग फिर प्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में आपका आजकल प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स आ रहा है। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स क्या होता है? फाउंडेशन भी कहीं और कास्ट हो रहा है, बीम कहीं और कास्ट हो रहा है, स्लैब कहीं और कास्ट हो रहा है, आपका वॉल कहीं और कास्ट हो रहा है, मतलब ये सारे आरसीसी मेंबर्स हैं, सारे आरसीसी मेंबर्स कहीं दूसरे दूसरे जगह पे कास्ट हो रहा है और एक जगह ला के असेंबल कर देते हैं कैबलिंग के थ्रू, आपको नट बोल्टिंग के थ्रू, आपका हाइड्रोलिक जैक लगा के, और प्री स्ट्रेसिंग, आप जानते होंगे प्री स्ट्रेसिंग पोस्ट टेंशनिंग के मेथड से हम लोग उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पे हम लोग मीन्स उसको वहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। तो प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वो होता है जो कहीं और जगह पे, खास जगह, हर कंपोनेंट्स अलग अलग जगह पे आपका बन रहा है और ला के उसको असेंबल कर रहा है, मतलब कास्टिंग सीटू ना होके ये प्री कास्टेड होता है। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स प्री इंजीनियरिंग के अंदर आता है। जो जैसे ब्रिज में ही देखिए, ब्रिज में कुछ कंपोनेंट्स मैं बता रहा हूँ, जैसे डेक स्लैब है, बॉक्स गर्डर है, तो वहाँ पे भी प्री स्ट्रेसिंग का फेनोमेनन यूज होता है। वहाँ पे भी यही मेथड है कि कहीं दूसरे जगह कास्ट हो रहा है, वहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग पोस्ट टेंशनिंग करके फिर ला के वहाँ पे हाइड्रोलिक जैक के थ्रू ला के आपका बियरिंग प्लेट के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं। तो वो पार्ट, खास करके वो पार्ट आपका प्री इंजीनियरिंग हो गया। बिल्डिंग में आप देख लीजिए, फाउंडेशन से लेके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, हर चीज़, सब स्ट्रक्चर भी, सुपर स्ट्रक्चर भी, हर चीज़ प्री इंजीनियरिंग हो रहा है। तो वो सारे मतलब प्री कास्टेड हो रहा है, सब स्ट्रक्चर के अंदर अप टू द प्लिंथ लेवल, ये सारे चीज़ आपका प्री कास्टेड हो रहा है। और इवन दो सुपर स्ट्रक्चर में भी वॉल हुआ, स्लैब हुआ, बीम हुआ, हर चीज़ आपका कहीं और जगह कास्ट हो रहा है और उसको ला के प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग करके हम लोग वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे मेंबर्स को हम लोग प्री इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर या प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स का। तो लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स क्या होता है? नाम से हमें पता चल रहा है, लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स मतलब जिस लैंड पे आपका स्ट्रक्चर बना है, मतलब स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग बना है, उस बिल्डिंग को स्केप करके, स्केप मीन्स होता है छोड़ना। तो जिस लैंड पे, जिस प्लॉट पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना है उसको स्केप करके जो भी आपके सराउंडिंग में डेवलपमेंट हो रहा है
वो सारे डेवलपमेंट वर्क्स आपका लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स में आता है। जैसे कि कोई बड़ा सा सोसाइटी है, बड़े सोसाइटी के अंदर 10-15 बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन गया, और उस प्लॉट में स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा हो गया साथ में हमें सराउंडिंग का भी डेवलपमेंट करना है। अब वो सराउंडिंग का डेवलपमेंट के अंदर में बहुत सारे चीज़ें आती है, जैसे कि आप लोगों को पता है आपका स्विमिंग पूल आ गया, आपका गार्डन आ सकता है, पार्क है, आपका स्ट्रीट रोड है, स्ट्रीट रोड, हाईवे प्रोजेक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, वो सारे चीज़ अलग प्रोजेक्ट्स हो गए, आपका NH प्रोजेक्ट्स, वो नेशनल हाईवे, वो अलग प्रोजेक्ट्स है। लेकिन सोसाइटी के अंदर जो कम डिस्टेंस के लिए स्ट्रीट रोड यूज होता है, ये सब लैंडस्केपिंग के अंदर आ गया। फुटपाथ हो गया आपका, ये भी लैंडस्केपिंग के अंदर आएगा। प्लांटेशन हो गया, आजकल आपको चारों तरफ से प्लांटेशन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स हो गया, गार्डन हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, तो ये सारे छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे, तो ये सब क्या है, जिम हो गया, ये सब डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग, मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट, प्लांटेशन हो गया, तो ये सब लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है। ये भी कंस्ट्रक्शन, ये भी सिविल इंजीनियरिंग, ये यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये भी हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन होता है तीन बिहाफ पे, तीन चीज मेन कंपोनेंट्स मैंने बताया, टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्स, कि वो प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, उस प्रोजेक्ट पे जो हमारा प्रोजेक्ट निकल रहा है उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, मतलब क्या उसका बजटेड है, कितना है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो वो भी देखा जाता है। और साथ में किस टाइप का मशीनरी यूज हो रहा है, मशीनरीज बहुत तरह के होते हैं, आप लोगों को पता है, हेवी मशीनरीज होता है आपका, लाइट मशीन्स होता है आपका, मैन पावर देखा जाता है कि मैन पावर, नंबर ऑफ मैन पावर्स कितना वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, तो ये तीन चीज का कैटेगराइजेशन बेस माना जाता है, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्स, उसके बिहाफ पे हमारे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैटेगराइज है। तो हमारा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड थर्ड प्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, एंड लास्ट लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स। आशा करता हूँ ये हमारे छोटे से सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जान लेना सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स कितने तरह के होते हैं, हाँ बिल्डिंग कितने तरह के होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, उसके बारे में डिटेल जानेंगे, हाईवे कितने तरह के होते हैं, रोड कितने तरह के होते हैं, इसके फर्दर सब डिविजन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बींग अ सिविल इंजीनियर हमारा जॉब किस किस प्रोजेक्ट्स में लग सकता है, वो मैंने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे हर वीडियोज़ को आप देखते होंगे और हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये सेशन आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल हमारा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करते हैं आप सभी सिविल इंजीनियर्स के बेनिफिट्स के लिए। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ आपको एक से एक अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे डेली बाई डेली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस भी करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच, आपको एक बार फिर से, आप सभी सिविल इंजीनियर्स का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू।